तो भाई साहब हम निकल चुके हैं। डू आई नीड टू ड्राइव? क्या जी, मैं उस वाली ब्रांच में हूँ, उस वाली ब्रांच में। ठीक है, सिंपल पल्सर में फोन करके क्या कहना। तो भाई गाड़ी गाड़ी करके घर पे हम निकल चुके हैं बस में। तो ये दिन ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे और इंजॉय करते हैं वीकेंड वहाँ पे। तो भाई मेरे एग्ज़ाम थे 22 तारीख से, 10 दिन बज रहा है 13 तारीख है, लेकिन फिर भी मूड फ्रेश करने के लिए ताकि मैं एग्ज़ाम पे फोकस कर पाऊँ, तो मैं वीकेंड पे अपना देहरादून निकल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने सहारनपुर से। गाड़ी यहीं खड़ी है, रुक जा भैया यहीं, रुक जा भाई, रुक जा साइड में तो लगाएंगे। सही बात है, मतलब अहमदुल्ला अब हमें बैठ कर रहा हूँ हमें। तो भाई हम आ चुके हैं, वो यार जूते जूते पहन लूँ मैं। तो भाई आ चुके हैं हम यहाँ पे अपना वीकेंड एंजॉय करने, अभी देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। हाँ भाई किस लिए हो रहा है गोरा? अरे यार कोई लॉन्डी लॉन्डी देखते हैं फिर कर रहा है गोरा सा, हम फिर देखते हैं। सही है भाई, से गोरा कर दो यार, तो ऑर्डर करके नीचे ले जाएंगे पैकेट। मैं कह रहा कि इसे क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि यहाँ से बहुत सारा ऑर्डर कर लो अच्छा, और फिर जाके वहाँ पे कहो अच्छा। नहीं लग तो रहा, वीडियो चला रखी है तो चलो कोई नहीं, चलो बीबी आप चलो। भाई देखो बात ऐसी है, मेरे से बड़ा म्यूजिशियन ना इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं वहाँ पे जाकर गाना गाऊंगा। ये बहन का कुत्ता काटूं सुतरी के। मैं कह रहा मानो तुम ना जूतों के पैसे दिया रहा करियो, बोल के ना डबल पैसे ले जाएंगे इसके, बता रहा जूतों के पैसे कह रहा कल ही यहीं करवा लूंगा मैं तेरे को। दर्द वाली आ सीने में
चक्को इज सिंगिंग ओ हड़िया चक्को गाना गा रहा चक्को गाना गा रहा है तुम जैद चूतियो कतारा है दोस्तों तुम जैद चूतियो कतारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे नाम का वादा है दोस्तों धड़कन धड़कन एकदम कहता है जाने क्यों फिर भी दिल कहता है हम सफर पास जिले जरा तू मीठी घाटी का पानी मुझे खुद में गोल कर दो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठी घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठी घाट का पानी मुझे खुद में गोल दे दो मेरे यार बात बन जाए यही एक लाइन ही है बहन शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार हो रहा था हो गया है हल्का सा बुमार कोई लव मी थोड़ा लव मी थोड़ा दिल ये बैग राते सुरंग सी मागी उड़ान से ला जाने तू इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए मगर तेरा साथ ना छोड़ के इसका चल रहा है दिमाग का ट्रीटमेंट और देखो देख क्लास भी करनी है क्लास अब रेगुलर करनी है क्योंकि हमारी काफ़ी शॉर्टेज हो चुकी है अटेंडेंस की ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए और क्या कहते हैं उससे एग्ज़ाम भी हमारे 22 तारीख से तो बस इसलिए हम वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय करने आए थे ताकि हमारा मूड फ्रेश हो जाए ठीक है। तो भाई आज है संडे और आज या कल यहाँ पर मोदी आएगा लग चुके झंडे और एक और नेता दो तीन आ रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं साथ में तो आएंगे नहीं था उनके अब की बार मोदी सरकार आ तो गई है उम्मीद करता है कि काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा देश का और अगली बार ये सरकार नहीं आएगी हाँ भाई व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस हमारी सरकार होनी चाहिए भाई साहब सिस्टम होना चाहिए अपना सिस्टम नहीं रोड़ा होना चाहिए अपना रोड़ा और अभी हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल देहरादून आए और बुद्धा टेंपल ना जाए ऐसा हो नहीं सकता क्यों सर क्योंकि वहाँ पे सुकून है यार वहाँ पे है सुकून
भाई साहब पहुंच चुके हैं, थोड़ा पैदल का रास्ता है। ले भाई तू भी आ जा। तो वही ऐसा है, यहाँ पे इवनिंग हो चुकी है। इधर से ले नहीं, इधर से चलते हैं। हाँ बंद नहीं है। तो भाई जब बुद्धा टेंपल में आते हैं तो स्टार्टिंग में पड़ता है यहाँ पे कैफ़े, यहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। इधर भी एक दुकान सी है और ये हमारा बुद्धा टेंपल का स्टैचू, और ये जो गोल गोल से दिख रहा है ये इनकी कहावत है कि इनको घुमाने से पॉजिटिव वाइब्स आती है। यू कैन सी, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर, दिस इज़ अ मनी प्रेयर व्हील, इट इज़ फिल्ड विद अपर लोगो, ठीक है। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। मेरा पहला व्लॉग यहीं पे शूट हुआ था और यहाँ पे लोग फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ तो बंद कर दे रील भाई। धार्मिक प्लेस है भाई साहब, इंस्टाग्राम बंद नहीं हो रहा है। चप्पल कहाँ उतारते हैं? ऊपर चले हैं, वहाँ बैठते हैं ना थोड़ी देर। तो भाई इतना चप्पल बन के आते आराम से। ये फ्लैग देख सकते हो, बहुत सारा लगे हुए यहाँ पे भाई। लास्ट टाइम मैं इनको, ये जो चक्र से है ना, इनको मैंने सबको घुमाया था, इस बार नहीं घुमाऊंगा क्योंकि मैं भी सोच देख रहा था कि हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो आगे कुछ कहना चाहते हो सर आप? व्हाट इज इन योर माइंड? मेरे बालों की माँ है, मैं कोई बढ़िया सर, बालों की और दाढ़ी की भी सकते हैं। अच्छा लास्ट टाइम मुँह कब धोया था? हो गया 4-5 दिन। तो भाई इसको अपनी फिक्र नहीं है, इतना ज़्यादा बिजी पर्सन है, इज वेरी बिजी पर्सन। ओके तो पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, लेकिन इसकी नहीं है, इसकी है काम। तो ये छोटे छोटे अरे बच्चो नहीं करा, करवा लो यार छोटू। एक पिक्चर क्लिक करा दे प्लीज, आ जाओ ऋषु। यार आंसू खुला है वो, आई थिंक ये क्लोज हो चुका भाई, उसे घर पे बैठेंगे ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे जाने की। ये बंद कर दिया क्या इन्होंने? यार ये तो बंद कर दिया भाई। भाई भाई हम तो हो चुके थे लेट और इनका चल रहा है बेबी तुम उससे प्यार करती है नहीं, आज तो सच बोल दे। निब्बा निब्बी वाली हरकत है। क्या बोलता है वो? व्हाट्सएप पे भेज रहा है, व्हाट्सएप। तो भाई पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आज की नाइट में मैं थोड़ी एंजॉय करनी है। आज है संडे नाइट और मंडे में मैं निकलना है यहाँ से। 1600 रुपये का मंडे में निकलना है, हमें क्लास भी अटेंड करनी है। हम ये क्लास को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और क्या कहते हैं उसे, हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इंटरनल, तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है। वी आर हेयर फॉर दी मूड रिफ्रेशमेंट, हमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। यहाँ पे भाई इतने सारे कैफे हैं, सारे चाइनीज़ हैं यहाँ पे, कोरियन टाइप से, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब सा फूड रहता है इनका, सी फूड रहता है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा। और आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। देहरादून में तो वाइब ही वाइब है भाई साहब। और ये बाबू सोना इनका बाबू सोना नहीं ख़त्म होता।
और अभी हम पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। तू कहेगी तो मैं दिला दूँगा। I don't know। बात तो करनी चाहिए। Excuse me, hello। इससे बात कर ले रंडवा। इससे बात कर ले रंडवा रंडवा। देख रहे हो? हमारा भाई मजाक उड़ा जा रहा है। निब्बा निब्बी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं भाई साहब। मतलब इससे बात कर ले रंडवा या रंडवा। कोई नहीं भाई, अपने भी दिन आएंगे, अपने को भी मिलेगी एक टाइम पे। सालो उस टाइम देखना भाई, हमें चाहिए अच्छी लड़की। इसने की अभी जिम स्टार्ट और ये लेने आया है प्रोटीन यहाँ से, ऑथेंटिक न्यूट्रिशन से। ये दोनों भाई मिल गए एक साथ, देख रहा है? इसे कहते हैं ना नहाने का नतीजा। बट मेरे पास बता दीजिए, इसका फोन नहीं करता हूँ। अब कहाँ चलना है ये बताना, खाने से चल लेंगे, घूमने का बता। तो भाई कोई भी दर्द ना आए अपनी बंदियों के साथ, और किसी को कुछ करवाना हो लेडीज़ काम मेकअप से रिलेटेड, सो यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड। भाई लोकेशन बता देना। लोकेशन है भाई चंद्र चौक सुभाष नगर गुप्ता स्टोर, चंद्रमणि चौक लेन नंबर तेरी हाउस नंबर 134। ठीक है भाई साहब, आ जाना आप। 20-30% डिस्काउंट यू विल गेट। अभी तो भाई 50% ऑफ चल रहा है, तो 50% ऑफ है मेरे नाम लेके 60% हो जाएगा 60%, और उसके साथ में हम देंगे भाई 1000 की सर्विस फ्री 50% के बाद भी। अच्छा अच्छा, फिर ही कर दो सारा काम। अगर किसी 200 रुपये का काम करवाना हो फिर नहीं, 200 वाले का नहीं होगा। जैसे अगर आप स्मूथनिंग कराते हो भाई, वो जो हम 5000 में स्मूथनिंग करते हैं, हम 2500 में करेंगे, उसमें आपको 1000 की सर्विस फ्री देंगे, 1000 की सर्विस फ्री देंगे, 800 वाला तो 1500 रुपये हो गए फिर। 1500 रुपये में हो जाएगी आपकी पूरी सर्विस। अच्छा, ये मेरा नाम हटा के है या फिर मेरा नाम लगा के है 1500? ये तुम्हारा नाम हटा के, अगर तुम कहोगे तो और भी डिस्काउंट दे देंगे भाई, डॉक्टर साहब हो आप। ठीक है, तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हमारा है देहरादून में, यहाँ पे फ्रेंचाइज है, और सहारनपुर के अंदर दो है, एक है हकीकत नगर में और एक है कोर्ट रोड पे। भाई कोर्ट रोड वाले की लोकेशन क्या है? पार्थनाथ प्लाजा के पास है। ठीक है, माया कलेक्शन के सामने। सो यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है भाई साहब, ये सामने से व्लॉगिंग कर रहा है। ठीक है, और आप ये देखो, ये ना मेरे को अपने नाम का बनवाना है यार। कितने का बनेगा लगभग ऐसा? ये कितने का बनेगा ऐसा? ये लोगो कॉस्ट 10,000 रुपीज़। यार इतने तो यार पैसे मिल, यार इनको ना मुझे पैसे देने चाहिए भाई। तो यार इस टाइम ना ऐसी कंडीशन हो रखी है ना कि अगर तू मुझे कहेगा ना मैं तेरे को वहाँ पे छोड़, तू मुझे वहाँ पे ड्रॉप करके आ, तो मैं तेरे से पेट्रोल के पैसे तेरे से लूँगा। ठीक भाई, ये है ब्रांड, और ये पता है किस चीज़ को मिले हुए? ये देखो हमारे राजा सर का। ठीक है, ये भी सही मिला हुआ राजा को, वो अवार्ड का तो भाई साहब वही कर रखा है भाई साहब, हर फील्ड में एक्सपर्टीज। बट वेयर इज़ द ब्रदर, वेयर इज़ ट्राईपॉड? तो भाई ये तो चले गए हवारा गर्दी करने, और हमने बनाया है बनाना से, घर पे बात करनी पड़ेगी, पहले घर पे बात कर लूँ मैं, मम्मी से बात करनी ज़रूरी है भाई साहब, टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, ग्राफिक वाला लाइन है, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर, आजकल छुट्टी पड़ रही है तो कुछ है नहीं। हेलो मम्मी, नमस्ते, बढ़िया। तुमने तो भगाई दी मैं भाई, फील है खेलना खेलना नहीं है, खेलना 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 ना, ये क्या फील हो गया यार। डॉक्टर बनानी है यार ये वाला,
कैफे बड़ा लग रहा है ऊपर देखने का। चार्ज कितने होंगे इसके? यार रूफ टॉप का सीन देखना है मुझे बहनचोद। अरे भाई फिर भाई ले लिया हमने दूध एंड बिस्किट और हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये लो सर आपका दूध। तो भाई साहब हम आ चुके हैं रूम पे भी। तो भाई ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और ये बना रहे हैं अब आंडलेट। एग फ्राई कर रहे हैं भाई ये अभी देखते हैं आज इनका नए नए तरीके क्या क्या करते हैं ये। ये देखो दो बच्चों की हत्या कर दी इन्होंने, मुर्गी के दो बच्चे, ये तीसरा बच्चा गया। आज हम बना रहे हैं तहल कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये कैसे चलता है ऊपर वाला? ये बना भी चलता है ऑटोमेटिक होता है। कैसे चलता है ऑटोमेटिक? कितनी देर बाद चलेगा? क्या नहीं ये बताओ चम्मच? नहीं सर चम्मच कहाँ है? चम्मच अभी डॉक्टर साहब तुमने ही तो ले रखी थी अभी लोग चम्मच चम्मच ली थी भाई चक्कू था यार। चम्मच भी थी जिस तक घी गिरा था, घी के बाद इसके अंदर ही नहीं घी के बाद वो करा था उसके अंदर घेर दिया। अबे उसके अंदर ही चम्मच थी। अरे नमक मिर्च कहाँ गिरोगे डॉक्टर साहब? अबे बड़ा थोड़ी है अभी वो। अच्छा अभी बनानी है ये नमक आ गया? हाँ नमक ही है वो बहुत खारा है वो जो है नहीं वो समुंदर के बहुत ही नीचे वाले भाग में से निकला हुआ। अच्छा हाँ सही में जान में बर्तन मैं साफ कर दूंगा। पड़ेगे ना खाने के तुम्हें करने पड़ेंगे जो तुम खाओगे ना अपने जो तुम अपने खाओगे। अब सारा काम तुझे हम सब कर लेंगे जो तुम खाओगे वो तो तुम साफ करोगे भाई। मैं अपने खाए भाई तो साफ करूंगा या ये ऊपर कर दूंगा फ्राई पैन। हाँ ठीक है ओके हाँ। अबे एक थाली साफ करनी पड़ेगी ना? अरे तुम करियो भाई एक थाली एक कटोरी तुम साफ करो। एक चम्मच तीन है एक थाली नहीं है तीन है तीन। हाँ धसका उठ गया डॉक्टर साहब धसका उठ गया। काम करो भाई देख पास में आ जाओ मैं सिखा रहा हूँ। तो भाई ये रेडी हो चुका है हमारा ऑमलेट और थोड़ा और बना लेते हैं इसको ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मिर्च और डाल देते हैं क्योंकि मुझे मिर्च कम लग रही है बाद में मैं सुबह याद ना आए ज़्यादा मिर्च डाल के भाई। मैं गिर दी भाई साहब ने मिर्च बहुत ज़्यादा डाल ली ना बहुत ज़्यादा डाल दी। अरे कोई नहीं चटपटा था बनेगा तो तभी तुम चटपटे से वो बनाओगे ना डॉक्टर। हाँ तो भाई ये हो चुका है अपना ऑमलेट रेडी रेडी। अब भाई इसमें और क्या डालने वाला? इसमें डालने वाली है सब्जी। हम कौन सी वाली? ये आलू। ये क्या है? जो भी है क्या है ये आलू सोयाबीन है क्या? ये भाई दो पैकेट ये जाएंगे इसमें। अब देखते हैं क्या बनाते हैं डॉक्टर साहब खाए भी जाएगा या नहीं। डॉक्टर कुछ नहीं पता उसका करेंगे टड्डियों का इलाज बहन कल कहीं और इलाज ना कर दे कुछ और इलाज ना कर दे आलू और सोयाबीन। भाई ऑमलेट में आलू और सोयाबीन पहली बार देख रहा हूँ भाई। भाई अपना तरीका है भाई हेल्दी खाना बनाने का हेल्दी खाना बनता है इससे। ये भाई ये सोयाबीन होगी ये भी प्रोटीन है अंडा प्रोटीन है तो देख लो। आलू आलू तो है ही भाई आलू तो खाने आलू मटर जिसको जो गेनिंग के उसको आलू तो खाने ही चाहिए क्योंकि हम जिम कर रहे हैं हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे 46 है आज। यस
तो इसलिए मैं ये खाना पड़ेगा डाइट में, ठीक है? ओके सर। ओके। और भाई डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं भी डाइट पे हूँ आज के लिए। और भाई मैं अपनी बॉडी दिखा नहीं सकता, अगर मैंने दिखा दी ना अपनी बॉडी तुम डर जाओगे भाई। इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं अपनी बॉडी। डॉक्टर साहब तुम तो छुट्टी कर दे। अपनी बेरी के बेर तो सब मीठे बतावे। तैयार चावल नहीं गेर दे इसमें? इसमें मिला सके इसमें चावल। चलो भाई करके देखो कुछ नया ट्राई करके। अब हम इसमें डालने वाले हैं भाई ये चावल। चावल में डालने वाले हैं चावल। ये डॉक्टर साहब ने चावल डाल दिए। डॉक्टर साहब कह रहे कि दो ही दिन में काम उठा देना, भयंकर छोले छोले ऐसे हो जाएंगे मेरे खतरनाक वाले। ये भाई एक एक नहीं दो दो पैकेट चावल के, और इतना बड़ा तो फ्राई पैन भी नहीं है हमारा जितने चावल डाल दिए इसमें। हाँ वो बड़े वाला भी है हमारे पास, कौन सा था ये रखा ऊपर गंदा नहीं करते बोले पड़ेंगे तुझे भाई। नहीं देख लो अगर उससे इससे कंफर्टेबल नहीं बैठ रहा भाई तो ले लो। चलो फिर सही है तो भाई रात का प्लान पता नहीं प्लान क्या है इनका, कुछ नहीं पता। अभी खाना खाएंगे फिर भाई। कोई प्लान है यार? सही में कोई प्लान नहीं है तो ठीक है भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। ठीक है बना ले यार कोई थोड़ा सा आगे चल लेंगे वही बात। तो ठीक है यार अब घूम तो सारी जगह लिए हम यहाँ पे, और संडे वैसे है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। कल सुबह निकलेंगे कॉलेज के लिए और हमारा वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा। लेट्स इट फॉर टुडे। तो भाई हमें करना है व्लॉग एडिट और हम आए हैं सबसे ऊपर छत पे क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी सही है और थोड़ा व्यू भी देख लेंगे। आपको व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू है यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ। ये रहे यहाँ पे हमारे पहाड़ और मसूरी इसलिए नहीं दिख पा रहा क्योंकि थोड़ा बादल वगैरह है, और आप इधर देख सकते हो पूरा देहरादून दिख रहा है हमें। काफ़ी फ्लैट्स वगैरह है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे कदम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और किसी ने गाने चलाए यहाँ पे, आपको आवाज़ आ रही हो तो मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है?